अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनिका नजी। आज का वीडियो पॉडकास्ट जो है वो एक बार फिर से मैं एक ऐसे शख्स को आपके सामने लेकर आई हूँ जिन्होंने इंटरनेट पे धूम मचा के रखी है। आप सबको भी शायद पता ही होगा, एक सॉन्ग कुछ दिन पहले रिलीज हुआ जो इंटरनेट सेंसेशन बन गया और नेशन वाइड इस तरीके से फैल रहा है और वायरल हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम का या बाकी मिनिस्टर्स जो है उनके ऑफिशियल हैंडल से वो सेम सॉन्ग जो है वो सेम सॉन्ग जो है अपलोड किया जा रहा है क्योंकि वो सॉन्ग इतना अच्छा है। खैर, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ, मैं किन की बात कर रही हूँ। रासिक शेख, इनको आपने पहले भी मेरे एक पॉडकास्ट में देखा होगा और आज मैंने इस वजह से इनको बुलाया है ताकि हम उस सॉन्ग के बारे में जान पाए और क्या इन्होंने लिखा है, कहाँ से इन्होंने वो इंस्पिरेशन ली, उस सब के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई वीडियो पॉडकास्ट रासिक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मैम। रासिक, आपसे जानना चाहेंगे, आपको पता है आप पहले भी मेरे पॉडकास्ट पे आ चुके हैं और तब आपने अपने स्ट्रगल के बारे में भी बात की और इस बारे में भी बात की कि किस तरीके से आपने एक एयरफोन से स्टार्ट किया और फिर आपने यू नो सॉन्ग्स जो है उनको कंपोज करना शुरू किया और आपकी आज एक सुपर हिट वो जो सॉन्ग है वायरल हो रहा है, सबने शेयर किया, मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर वो शेयर किया था और काफी अप्रिसिएशन मिल रहा है उस सॉन्ग को नेशन वाइड और बड़े पैमाने पे, लाइक हर कोई आके उसको अप्रिशिएट कर रहा है और आपको जो है आपको भी अप्रिशिएट कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उस सॉन्ग के बारे में? मैम, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, हमने मेहनत की थी और मेहनत बहुत निखर के आई है और ऑब्वियसली मैं ये कहना चाहूँगा जब भी आप सच बोलते हैं तो सच बहुत ज़्यादा चलता है, तो सेम मैंने एक्सपेक्टेशंस भी रखी थी इस गाने से कि ये बहुत चलने वाला है और चला भी बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। वो तो खैर रासिक दिख ही रहा है क्योंकि आपको अप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है और मैं खुद हैरान हूँ कि इतने बड़े बड़े ऑफिशियल हैंडल से आपका सॉन्ग जो है वो उसको यू नो अप्रिसिएशन मिल रहा है। लेकिन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एक आर्टिस्ट की जो जिंदगी है उसमें कितनी स्ट्रगल होती है, ये एक आर्टिस्ट ही बता सकता, हम लोग सिर्फ उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं कि कितना उसने स्ट्रगल किया है और किस दौर से वो गुजर रहा है। एंड इस सॉन्ग को इतनी अप्रिसिएशन मिली कि जिन्होंने इसको री अपलोड किया उन्होंने बहुत व्यूज बटोरे, बट कहीं ना कहीं एक फैक्टर है, एक तो वो सॉन्ग का बजट कैसे बनाया था आपने, वो किस स्ट्रगल से बनाया था, एंड सेकंड अब जब उसको व्यूज आ रहे हैं, व्यूज बटोरे जा रहे हैं, उससे आपको कुछ प्रमोशन मिल रहा है, बिकॉज आई नो एज एन आर्टिस्ट एंड आई नो यू पर्सनली एज अ ब्रदर, you are not looking for money but you are looking for a promotion so that people will get to know about your art later, kyunki jab ek artist ko promotion milta hai social media platforms pe tab jaake wo aur jo apna content hai wo dikha pata hai। ji ma'am, to kya kehna chahenge, kya budget tha us song ka? dekhiye ma'am, main particularly amount to nahi bataunga, main itna bata sakta hu ki 2-3 mahine ka jitna bhi savings and pocket money sara kuch maine isi pe lagaya tha, lekin mujhe expectations is gaane se thi। मुझे जैसे कि आपने भी बोला मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मोनेटाइजेशन में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन जो मुझे चाहिए था प्रमोशंस वो मेरे को बहुत ही अच्छे पैमाने पे मिले और जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेयर किया या मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस एक्सेट्रा बहुत सारे लोगों ने ऐसे शेयर किया, सुरेश रैना सर ने, अनुपम खेर साथ ने शेयर किया, तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मैंने किया नहीं था, उसको जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे कई गुना ज़्यादा प्रमोशंस मुझे मिल गए और मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इंटरव्यू से पहले मैंने आपसे जब बात की तो आपने कहा कि जैसे उसमें जो क्लिप्स यूज हुए हैं जी, तो बहुत ही मतलब मिक्सचर है, समझ नहीं आता कौन सा क्लिप कब लिया है, इतना यू नो बाइंड किया गया है अच्छे तरीके से उस वीडियो को कि समझ ही नहीं आ रहा है कि एक क्लिप अगर लाल चौक में है तो दूसरी सोनमर्ग में है जी, और बिल्कुल वो जो आप सॉन्ग गा रहे हैं उसकी लिपसिंग बराबर वैसे ही जा रही है, तो बहुत एक सिनेमैटिक वो जो व्यू देता है हमें वो सॉन्ग और उससे काइंड ऑफ गूस बम्प्स, जैसा कि आपकी यूट्यूब चैनल पर जब वो अपलोड हुआ तो वहां मैं जब देख रही थी क्योंकि मैं बहुत कंसर्न थी इस सॉन्ग को लेकर, जब मैंने देखा कि ये वायरल जा रहा है तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं आपकी वो जो अपीयरेंस है वो कहीं तो निखर के आ गई, और मुझे ये पता भी चला कि
मेहनत जो है वो रंग लाती रंग है, लाती एक है ना एक दिन तो ला ही जाती है। तो कैसे आपने वो यू नो कंपोज किया, और क्लिप्स कहाँ से लाए, या क्योंकि उसके लिए बहुत सारा यू नो इक्विपमेंट्स, वेल इक्विप्ड रहना जी पड़ता जी है एज अ कंटेंट क्रिएटर। आई नो कि कितना इक्विपमेंट आपको यू नो लाने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि कौन सी चीज सही रहेगी कौन सी नहीं, एंड देन व्हेन यू आर इन अ स्ट्रगल फेज, जी जब आपको पॉकेट मनी जमा करके इन चीजों पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो पैशन में आपका समझ सकती हूँ, जी तो कैसे किया वो सब? देखिए मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि मैं काम श्रीनगर के अंदर ही करता हूँ, तो शोपियान टू श्रीनगर में आता जाता रहता हूँ, तो ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स जो भी है श्रीनगर में मोस्टली जो दिखती है विजिबल डेवलपमेंट्स है, इनसे इंस्पायर होकर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपना वर्स एक कम्प्लीट किया। देन जो हुमैरा मेरे साथ है 8MR, उनको मैं बहुत टाइम पहले से जानता हूँ, और मुझे ये पता था कि इस लड़की में कैपेबिलिटी है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। अभी इवन जब मैंने उनको कॉल किया था गाने के लिए कि ऐसे गाना बनाना है, गाना हमारा था 3 मिनट 30 सेकंड का, उसमें से 2 मिनट 30 सेकंड का वर्स खाली उन्होंने लिखा था, फिर हमने उसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी बाहर, तो टोटल हमने 3 मिनट 30 सेकंड का ही 3 सेकंड का ही गाना बनाया। उसके बाद गाना कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्डिंग्स मैंने उनकी की, उनके स्कूल में जाके मैंने उनकी रिकॉर्डिंग्स की, अपनी रिकॉर्डिंग्स मैंने अपने घर में की है, अब मेरे पास एक माइक्रोफोन है उसी के थ्रू डायरेक्टली लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके, उसमें कुछ ऑडियो इंटरफेस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, USB माइक्रोफोन मैंने कनेक्ट किया, सेम रिकॉर्डिंग उनकी भी मेरी भी। उसके बाद मैंने वो गाना जो है अपने प्रोड्यूसर जो मेरा फ्रेंड है AZ अमृत सिंह जी, वो एक्चुअली में रहते हैं लुधियाना में, लेकिन अभी वो रेजिडेंट है USA के, डालस टेक्सस USA में रहते हैं, तो मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया, मैंने बोला इस पर बीट बना दो, तो उन्होंने बीट बनाई। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है फ्रीलांसर वीडियोग्राफी करता है वो छोटा मोटा, तो मैंने उनके साथ बात की, उन्होंने कुछ क्लिप्स उनके पास ऑलरेडी थी, कुछ क्लिप्स हमने उठाई लाल चौक में, सोनमर्ग में, और वेल ब्रिज के पास हमने उठाए, तो उसके बाद उन्होंने जो आउटपुट दिया वो मेरी एक्सपेक्टेशंस में भी नहीं था कि इतना ज़्यादा बेटर कर सकते उसको, सो सब ने अपना बेस्ट दिया और गाना सबसे बेस्ट बना। दैट मीन्स कि आपने बहुत यू नो कलेक्ट की है चीज़ें इसमें, यू नो कहीं वीडियोस कलेक्ट किए हैं, कहीं लिरिक्स कलेक्ट किए, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो लिखने का पार्ट है, आपने इसके लिरिक्स खुद लिखे हैं, आपने उन जो दूसरी फीमेल आर्टिस्ट है उनका नाम हुमैरा है, तो उन्होंने भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया और लिखा। जी उन्होंने अपना वर्स। कितना टाइम लिखता है लगता है लिखने में? देखिए मैं मेरे पास आई गेस मैं कह सकता हूँ गॉड गिफ्ट है, तो मुझे लिरिक्स लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इंस्पायर हो जाए इंसान किसी चीज से तो लिरिक्स में 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर लिख लेता हूँ, या 30 मिनट मैक्सिमम। मैं अपने गाने को आज तक मैंने मैक्सिमम एक गाने को टाइम दिया है वो था कुछ 40 मिनट्स के अंदर मैंने वो गाना कंप्लीट किया, और हुमैरा ने भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया, उन्होंने 2-3 दिन के अंदर अंदर अपनी लिरिक्स कंप्लीट की, लेकिन उन्होंने ह्यूज अमाउंट लिरिक्स का बार्स बहुत अमाउंट रहा उसमें। जी उसमें बार्स बहुत ज़्यादा उन्होंने किए थे, तो उसके बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, रात भर बैठे हमारे प्रोड्यूसर जिन्होंने बीट प्रोड्यूस की है वो रात भर बैठे इस पे, उन्होंने 2-3 दिन इस पे काम किए, उसके बाद जो आउटपुट उन्होंने दिया वो बेशक बहुत ज़्यादा अच्छा था, और इवन उन्होंने इस बीट ये जो बीट थी एंड पे हमारे पास आई इसमें फिर मैंने चेंज भी करवाई कुछ लाइक बीच में वो ब्रिज डाला है एंड जो मेलोडीज एक्स्ट्रा वो चेक करी उसके बाद, लेकिन मेरा एक मोटिव रहता हमेशा, मैं हर एक आर्टिस्ट लाइक हुमैरा के साथ अगर मैंने बात की मैंने बोला टॉपिक ये है, इसके बाद लिरिक्स मैं उन तक छोड़ देता हूँ कि वो कैसे करेंगे, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी होती है, लाइक अगर मैं रैपर हूँ मुझे लिखना है मुझे बीट पे गाना है तो मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ मैं वो कर सकता हूँ बेस्ट तक, अगर मेरा म्यूजिक प्रोड्यूसर म्यूजिक बनाता है तो वो उसमें बेस्ट है वो ही बेस्ट बना सकता है, तो मैं ज़्यादा इंटरफेयर करता नहीं उन चीज़ों में, तो इंटरफेयर मैंने इस टाइम भी नहीं किया था, और बेस्ट चीज़ें मेरे प्रोड्यूसर ने भी और जो कलीग रैपर हैं उन्होंने भी बेस्ट चीज़ हमें दी, मतलब जो आपके फेलो आर्टिस्ट है उनके साथ एक यू नो एक वो कनेक्शन बनाए रखना अच्छा, सो दैट वो विदाउट बर्डन अपना काम करे, वो भी एक जरूरी है आर्टिस्ट जब आप कलेक्टिवली काम करते हैं। अच्छा आपने जो लिरिक्स लिखे वो आपने यूजुअली कश्मीर की डेवलपमेंटल वर्क्स पे लिखे, उसके लिए मुझे लगता है कि डेप्थ ऑफ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोल जो हमने सुने हैं उस गाने के बहुत ही नेक टू नेक थे, तो लाइक जैसे आपने कहा कि हमने ये हुमैरा से कुछ लिरिक्स लिए फिर हमने उसमें कुछ ऐड किया,
वो आपने कैसे किया, लाइक कि कौन सा पार्ट रहना चाहिए और ये जो वर्क है ये हमें एक्चुअल में दिखाना चाहिए, और आपने डेवलपमेंटल वर्क को ही क्यों चुना कि इसको ये वर्क हमें दिखाना चाहिए अपने सॉन्ग्स के थ्रू? देखिए मैम, अगर देखा जाए ना, जो विजिबल, अगर आप गाने पे भी फोकस करोगे तो उसमें मैंने वही डेवलपमेंट्स बताई जो कि आम आम शहरी अगर चलता है, बच्चा भी चलेगा तो वो भी नोट्स करेगा कि कल तक मेरे घर से जाता हुआ कोचा ऐसा दिखता था, आज ऐसा दिखता है। तो मैंने वही चीज़ों को, विजिबल चीज़ों को नोट्स करके ये लिरिक्स बनाए हैं। उसके बाद अगर हुमैरा का पार्ट देखा जाए, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको समझने में, गलत कोई चीज़ नहीं थी, जिसको समझने में लोगों को शायद थोड़ा सा टाइम लगता, तो वो चीज़ें हमने निकाली, उसमें ऐड नहीं किया, कुछ चीज़ें उनके लिरिक्स से निकालनी पड़ी। और उसके बाद वो गाने का कंपोजिशन हमने सोचा कि पहले उनका पार्ट रखते, फिर मेरा पार्ट रखते, फिर उनका दोबारा, फिर एंड पे मेरे पार्ट से वो ख़त्म हो जाता है पूरा गाना। तो वो कंपोजिशन फिर हमने बीट प्रोड्यूस करने के टाइम पे सोची है। अच्छा रासिक, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर आर्टिस्ट के सामने आती है, और या मैं कहूँगी सबसे बड़ी हर्डल जो आती है, वो है क्रिटिसिज्म। जी मैम, आपके इस वीडियो ने कम से कम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मिलियंस ऑफ व्यूज बटोरे। जी, मुझे ये बताइए, क्रिटिसिज्म देखने को मिला कहीं इधर उधर कुछ भी? जी मैम, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म। अगर आप न्यूज़ पोर्टल्स, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स ने वीडियो को अपलोड किया था या मेरी स्टोरी को अपलोड किया था, तो अगर आप उनकी कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आप मोस्टली नेगेटिव कमेंट्स पाएंगे उन जगहों पे। लेकिन जहाँ पे मैंने वीडियो मेन डाला वो है ट्विटर पे, 1.5 मिलियन व्यूज हो गए। अगर मुझे 1.5 मिलियन या 1.6 मिलियन हुए होंगे आज, अगर उन 1.6 मिलियन लोगों में से मुझे 200 लोग भी गाली देते, आई डोंट केयर अबाउट। Very nice. That was a kind of a master stroke कि 200 लोग अगर गाली भी देते हैं तो it's okay, आपको रुकना नहीं है, एंड दैट इज द यू नो वो पॉजिटिव स्पिरिट जो है आगे काम करने के लिए एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि अगर एक आर्टिस्ट हर चीज को सीरियसली लेने लगेगा तो उसको फिर काम नहीं करना है। डेफिनेटली, देखिए मैम, अगर क्रिटिसिज्म देखा भी जाए ना, तो मोस्टली लोग, कुछ लोग जो है एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स को इंटरकनेक्ट करते हैं। वो मुझे समझ नहीं आया आज तक कि वो कैसे कंपेयर कर सकते हैं रिलीजन को एक सॉन्ग के साथ। सो उसको मैं डेफिनेटली कम्प्लीटली इग्नोर करता हूँ। अब क्रिटिसिज्म बचा, कुछ नौजवान आते हैं कमेंट्स में जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो उनके लिए मेरा एक मैसेज है, क्रिटिसिज्म साइड छोड़ो। जितने टाइम में आपने मेरे गाने पे आके क्रिटिसिज्म किया, उतने टाइम पे आप ये सोच सकते थे कि इस बंदे ने अगर ये गाना किया, अगर इसको इतनी रीच मिली, तो डेफिनेटली ये क्लियर सी बात है, मैंने पैसों के लिए नहीं किया था, लेकिन डेफिनेटली मैं आगे कमाने वाला हूँ और इसी आर्ट से कमाने वाला हूँ। सो मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहा, मैं मेरे को किसी के सामने जानने की जरूरत नहीं है कि मुझे हायर कर लो, मुझे जॉब दे दो, या अनएम्प्लॉयमेंट है एटसेट्रा। मैंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, मैं डेफिनेटली आगे जाके और 10 लोगों को खिलाऊंगा। तो वैसे ही यूथ को सोचना चाहिए, इफ दे आर विद देयर डिग्रीज, पीएचडी किया है किसी ने या कुछ और किया है, अगर उनके पास अभी जॉब नहीं है, आप क्रिएट कीजिए अपने लिए, बिजनेस स्टार्ट कीजिए अपने लिए, अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कीजिए। आप खुद भी खाएंगे, आप दूसरों को भी खिलाएंगे। तो ये क्रिटिसिजम्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, करना भी चाहिए इग्नोर। और आपने एक अच्छी बात कही रासिक ने, कि अपने लिए अपॉर्चुनिटीज आज की दुनिया में खुद ही क्रिएट करनी है, क्योंकि हम लोग एक उस दौर की तरफ अब जा रहे हैं जहां सर्वाइवल फाइट होगी कि कौन सर्वाइव करेगा। जैसे हम यूजुअली देखते हैं कि गूगल ने इतने एम्प्लॉयज को ड्रॉप कर दिया, इस कंपनी ने इतने एम्प्लॉयज को ड्रॉप किया, दैट मीन्स हम लोग वी आर रिप्लेस्ड बाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन्स और बाकी चीजों से। सो हमें अपने आप को इतना काबिल तो बनाना है कि लोगों को हमारी जरूरत रहे और हम अपना सर्वाइवल जो है एक मीनिंगफुल सर्वाइवल बनाए। अच्छा रासिक, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अनुपम खेर सर और सुरेश रैना जैसी बड़ी सेलिब्रिटीज जो है, उन्होंने आपके कंटेंट को बिल्कुल अप्रिशिएट किया। कभी सोचा था ये कि ऐसा लाइक बॉलीवुड से एक अप्रिसिएशन मिलेगा? बिकॉज आपको पता है अनुपम खेर सर जो है काफी मूवीज कर चुके हैं, और सेकंड थिंग कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ उस दुनिया की तरफ आपका एक रास्ता खुलना चाहिए या आप बड़े प्लेटफॉर्म्स पे काम करना चाहते हैं। देखिए मैम, आप ये कहते हैं कि उस दुनिया की तरफ, मैं बिलीव करता हूँ कि उस दुनिया की तरफ मेरा एक दरवाजा खुल गया अनुपम खेर सर का शेयर करना। और उन्होंने, अगर आप उनके ट्वीट पे जाएंगे तो उन्होंने आर्ट की तारीफ की है, उन्होंने और किसी चीज को इंटरकनेक्ट किया ही नहीं।
और अगर आप सुरेश रैना सर के भी हैंडल पे जाएंगे तो उनका कैप्शन यही था कि दे शोड प्रो लेवल रैपिंग, तो उनको कुछ ना कुछ दिखाए. तो डेफिनेटली अनुपम खेर सर के साथ कितने सारे डायरेक्टर्स थे, कितने सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स बड़े बड़े जो कनेक्टेड होंगे, अगर अनुपम खेर सर को अच्छा लगा है डेफिनेटली उनको भी अच्छा लगेगा और डेफिनेटली आगे इन फ्यूचर मुझे कॉन्टेक्ट आने वाले हैं वहाँ से. और आप ऐसे ही मेहनत करते हैं डेफिनेटली मैम. सो कश्मीर में जो आपके फेलो ये जो रैप आर्ट जो है इसको जो कैरी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए मैम, उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं आप कंटिन्यू कीजिए. और देखिए अगर मेरा ये गाना भी चला है इसमें खाली मेरा फायदा नहीं हुआ है, खाली मेरी प्रमोशन नहीं हुई है, कश्मीर के पूरे हिप हॉप सीन के प्रमोशन हुई है. ठीक है, वेदर फिर कश्मीरी लोगों ने या बाहर के लोगों ने या किसी ने भी क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन हमें पॉजिटिव साइड पे देखना है. ठीक है, अगर हमारे पास एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड रखा जाएगा फिर उसके ऊपर एक डॉट बनाया जाएगा ब्लैक पेन से या ब्लैक मार्कर से, हमें वो ब्लैक डॉट को नहीं देखना, हमें पूरे सफेद बोर्ड को देखना है. हमारे पास इतनी बड़ी ऑडियंस है जिन्होंने पॉजिटिव वे में लिया है, डेफिनेटली वो कश्मीरी और रैपर्स को भी ढूंढेगी मेरी वजह से. लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे को लगता है मेरे से भी बेटर आर्टिस्ट है, लाइक बिल्बो है, द नेम इज हंटर, एफडीके, तो ऐसे आर्टिस्ट है जो मुझे लगता है मेरे से भी बेटर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उनको भी ढूंढेंगे क्योंकि मेरे साथ उनके कुछ गाने हैं. मुझे सर्च किया जाएगा तो वो दिखेंगे तो उनसे जो कनेक्टेड है वो दिखेंगे, फिर उनसे जो कनेक्टेड है वो दिखेंगे. कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है और मौका है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई और डेफिनेटली फिर वो पूरे सीन को इससे पुश मिलेगा. मैं कुछ लाइनें उस सेम सॉन्ग की जो आपने गाई है गा सकते हैं आप? डेफिनेटली मैम. अब यहाँ ने डर अवाम जिगर में देश का नाम, अब यहाँ बेटा बेटी दोनों करे एक ही काम, अब यहाँ हर एक शहरी की बस्ती देश में जान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हिंदुस्तान, देश में बस्ती है जान, देश है मेरी शान, हमें कश्मीर हिंदुस्तानी हमें इस बात पे मान, तिरंगा मेरी छाती पे है ये मेरी पहचान, मैं कश्मीरी और देश मेरा हिंदुस्तान. वेरी नाइस nice. बहुत ढूंढ ढूंढ के अपने वर्ड्स को मैचअप किया है, क्वाइट एन आर्ट. मतलब मैं एक आम इंसान तो नहीं कर सकता, मुझे ऐसे लाइक वर्ड्स को इस तरीके से कोलैबोरेट करना. जी मैम, इसमें बहुत सारी चीजें को अगर हम रैप टेक्निकली देखा जाए तो राइम्स को स्ट्रक्चर करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, तो मैंने इसमें बहुत सारी चीजें ट्राई की थी और बहुत सारी चीजें ट्राई नहीं भी की थी क्योंकि मैं इस गाने को जितना हो सके उतना सिंपल रखना चाहता था और सिंपल मैसेज जितना हो जाए उतना ज्यादा जल्दी फैलता है और आम लोग समझ पाते. सही बात है कि जितना इजी लैंग्वेज हो उतना नेशन वाइड हम लोग लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, और आपके सॉन्ग ने आपको पता है नेशन वाइड आपके लिए एक फैन बेस खड़ा किया है जो आपको देखना चाहते हैं. और जो लोग ये वीडियो पॉडकास्ट देख रहे हैं, रासिक की जो चैनल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और इनका जो ये रिसेंट गाना है उसको आप एक बार फिर से जरूर देखें सो दैट ये एक मखसूस ऑडियंस तक पहुंचे और उनको एक रीच मिले, सो दैट आगे जो ये कॉन्टेंट अपलोड करेंगे आप लोग वो देखेंगे, इनका आर्ट देखेंगे. सेकेंड थिंग इज के आपने जो अप्रिसिएशन शॉवर किया है इन पर उनके गाने को नेशन वाइड, उसके लिए हम सब लोग बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए, क्योंकि ये सिर्फ रासिक की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये पूरे कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन है नेशन वाइड एंड देन वर्ल्ड वाइड. क्योंकि आपको पता है कश्मीर में एक टाइम पे के कौन से हालात रहते थे, और अब कश्मीर में ये एक्सपेक्ट कर पाना कि एक रैप स्टार जो है या एक रैप आर्टिस्ट या म्यूजिक म्यूजिशियन कोई आ भी सकता है या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जा सकता है, और सिर्फ रास्ते ही नहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में हम अभी आपने रिसेंटली एक लड़की रुखसार, डॉक्टर रुखसार को भी देखा होगा जिन्होंने मास्टर शेफ में काफ़ी टाइम से है और एक बहुत अपनी एक छवि छोड़कर जा रही हैं वहाँ पे, एक कश्मीर की छवि, या हमारे बाकी म्यूजिशियंस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ओवरऑल हमारा मकसद ये है कि कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन हर तरफ से, कश्मीर जिस वजह से जाना जाता था उस छवि को हम मिटाना चाहते हैं, किस लिए, किस टर्मोइल के लिए जाना जाता था वो हमें नहीं चाहिए, बल्कि हम अपने भाई बहनों को या हम अपने आप को जो असल में हम हैं वो रिप्रेजेंटेशन पूरे देश को दिखाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं. उसकी वजह से जो आपने हमें अप्रिसिएशन दिया है और हमारे साथ खड़े रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. ये हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे रासिक शेख थे, MC राज जो जिनका स्टेज नेम है, इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इन्हें बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई पॉडकास्ट. थैंक यू.